गर्भकाल में माताएं क्या सेवन करें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बहुत अनुसंधान करने के बाद में ये मातृत्व कर करके हमने बनाया है। और ये गर्भकाल में माताएं जब बच्चा गर्भ में होता है ये पूरे 9 महीने तक इसका सेवन कर सकती हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। आयुर्वेद के बहुत सारे शास्त्रीय योगों को हम लोगों ने मिला करके और नए ढंग से इसका अनुसंधान कर करके बनाया है। और इसके साथ में हमने देखा है कि माताएँ बहन यदि प्राणायाम करें, क्योंकि बहुत सारे भारी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकती हैं, परंतु प्राणायाम वो नियमित रूप से कर सकते हैं, विशेष कर करके अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत उसको जरूर करते रहें। और उसका परिणाम हमने देखा है, हमने तो यहाँ तक देखा है, कम से कम हमें बहुत प्रसन्नता होती है। कईयों ने तो अपने बच्चे का नाम, जैसे हमारा पहले दिव्य योग मंदिर संस्था का नाम था तो दिव्या रख दिया, क्योंकि उसकी वजह से पैदा हुई। तो कई लोगों ने जो है अलग अलग तरह से, कितनी खुशियां होती हैं कि जब जिनको बच्चा नहीं था प्राणायाम योग से बच्चा भी हो गया, या जो बच्चे किसी कारण से रोगी हैं वो स्वस्थ हो नहीं हो पा रहे हैं तो पतंजलि से स्वस्थ हो गए। तो ये आप करिएगा, सरल उपाय है,